नमस्कार, मेरे अपने चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे वर्ष 2022 जून का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य का विषय वृश्चिक राशि वालों के लिए मिश्रित फल लेकर के आएगा, अर्थात थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति स्वास्थ्य को लेकर बनी रहेगी। बहुत अधिक चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर बात करें एजुकेशन की, यानी विद्यार्थी जो है वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए यह समय अनुकूल नहीं है, परंतु मैंने प्रतिकूल भी नहीं कहा। अतः विद्यार्थी जो विद्यार्जन कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई पर अधिक कॉन्सेंट्रेट करने की आवश्यकता है। बुद्धिमान तो वृश्चिक राशि वाले जनजाति ही होते हैं, बहुत तीव्र बुद्धि के मालिक होते हैं, अतः वहां कोई दिक्कत तो आती नहीं है। परंतु अपने माता पिता के आदेश अनुसार चलें और गुरु के निर्देश अनुसार अगर आप चलेंगे तो इसका लाभ प्राप्त होगा और भगवान की कृपा भी आप पर बनेगी। अगर बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए जो प्रोफेशनल फील्ड से हैं, अर्थात अगर सरकारी पेशे से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए यह अच्छा अवसर है प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का। तो ऑब्वियसली अपने कर्म क्षेत्र में डटे रहें, अपना बेस्ट प्रभाव वहां पर दिखाएं, तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अगर प्राइवेट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए बाहर से कुछ खुशखबरी आ सकती है, यानी बाहर के प्रोजेक्ट से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। हो सकता है यात्रा करने को मिले, हो सकता है ऐसी स्थिति बने जहां आपका ट्रांसफर हो सके, तो इसमें घबराने की आवश्यकता तो है नहीं। ट्रांसफर भी आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आएगा। और अगर निजी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए व्यवसाय जो है वो उनको चरम उन्नति की ओर लेकर के जाएगा। परंतु हाँ, वो प्रोजेक्ट भी जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है वो बाहर से होगा या बाहर के लोगों से आपका कॉन्टैक्ट बनेगा, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अगर बात करें पैसे की, यानी फिनेंस की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यह स्थिति जो है अच्छी नजर आ रही है और जून के महीने में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बस सावधानी बरतें, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट ना हो किसी भी विषय पर और किसी भी व्यक्ति पर अधिक फेथ ना दिखाएं। थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए क्योंकि वहां पर धोखा भी आपके साथ हो सकता है। अगर बात करें लव अफेयर्स की, यानी प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम प्रसंग में वृश्चिक राशि वाले वैसे भी बहुत ही आगे होते हैं, बहुत ही चटकदार होते हैं, बहुत ही लुत्फ उठाते हैं। तो वो जानते हैं कि प्रेम प्रसंग में कैसे चला जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लोगों से संबंध बनाना, नए नए दोस्त बनाना, यह इनकी हॉबी होती है। परंतु इसमें भी आपको इस महीने सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना, अधिक आत्मविश्वास जो है यह सब चीज को नष्ट कर देता है। अतः आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सावधानी को बरतें और लोगों को पहचाने, सबसे तुरंत घुल मिल मत जाइए, क्योंकि यह आज के डेट में हानिकारक हो सकता है आपके लिए। परंतु कुल मिलाकर देखी जाए तो स्थिति आपके पक्ष में है। आपके लिए लकी कलर कौन सा है तो वृश्चिक राशि वाले नोट कर लें, पीला रंग यानी येलो कलर और दूसरा रेड कलर यानी लाल रंग। तो पीला और लाल रंग के कलर का व्यवहार अधिक से अधिक करें, वस्त्र पहने इसी रंग के और या फिर परिधान जो कहा जाता है, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नमस्कार।